स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे विज्ञान का 21वां भाग। आपको बता दें कि इसके 20 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर हम साइंस के 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, और यहाँ पर इन 25 क्वेश्चनों को देखने के बाद आप वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपने इन 25 में से कितना किया। एक क्वेश्चन, चार विकल्प आपको हर बार दिखेगा। 2 सेकंड में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ठोस नहीं है। आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव और गैस, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन ठोस नहीं है। पोटेशियम, पारद, सोडियम या फिर ये सभी। तो आप देखेंगे कि पोटेशियम तो ठोस है, सोडियम भी ठोस है, लेकिन पारद मतलब कि पारा, यानी कि HG, जिसको हम मरकरी बोलते हैं, तो मरकरी एक धातु है, लेकिन यह लिक्विड फॉर्म में रहता है, रूम टेम्परेचर पे। ठीक, तो ये जो पारद है यानी कि मरकरी है, यह एक ठोस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। अयस्क मतलब ये होता है कि जिस एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं, ये धरती में हमें किस रूप में मिलता है, उसको हम बोलेंगे खनिज या फिर अयस्क। तो जो एल्यूमिनियम हमें मिलता है, ये किस रूप में मिलता है, ये आपको बताना है। तो ये है बॉक्साइट। देखिए, आप देखेंगे कि अगर पेट्रोल या फिर डीजल की बात करें, तो ये हमें इसी रूप में धरती में नहीं मिलता है, ये हमें एक अलग से द्रव के रूप में मिलेगा, जिसको हम ला के जब रिफाइन करते हैं, तो इसी में से कहीं से पेट्रोल थोड़ा मिल सकता है, कहीं डीजल मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो पेट्रोल हम बाइक में डालते हैं वो हूबहू हमको धरती के अंदर मिलता है। तो जो चीज़ हमें धरती के अंदर मिलता है, उसको हम खनिज या फिर अयस्क बोलते हैं। तो जो एल्यूमिनियम होता है, ये हमें बॉक्साइट के रूप में मिलता है। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर वहां जाकर आप इस तरह के क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है। मिश्र मतलब क्या होता है? दो चीजों को मिलाकर, दो या फिर दो से अधिक चीजों को मिलाकर के जो बनाई गई हो, तो इसमें आपको बताना है कि कौन मिश्र नहीं है। सही उत्तर है तांबा। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक हीन चालक कौन है। देखिए, हीन चालक मतलब क्या होता है? एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। मतलब कि चालक में विद्युत का प्रवाह होगा, कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। जैसे कि चालक में आप लोहा ले सकते हैं और कुचालक में आप लकड़ी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन इस जो चालक है, इसमें भी कई तरह का होता है कि अगर आप एक तरफ सोना ले लें, एक तरफ लोहा ले लें, एक तरफ एल्युमिनियम ले लें, तो सबसे तेज विद्युत इसमें प्रवाहित होगी, उसके बाद इसमें प्रवाहित होगी, उसके बाद जो विद्युत की स्पीड होगी इसमें होगी। ठीक, ये एक क्रम है। तो इसी तरह आपको बताना है कि इसमें से सबसे कम चालक कौन है। हीन मतलब होता है कम। ये होगा सीसा। सीसा सबसे हीन चालक है। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में से बताना है आपको, ऐसा नहीं कि पूरे मतलब कि वर्ल्ड का बता देना है, निम्नलिखित में से। तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। प्रयोग कहाँ में लाया जाता है ये? तो परमाणु भट्टियों में, परमाणु बम बनाने में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है। मतलब कि सीमेंट को बनाने में उसका प्रयोग होता है, वो कौन है इसमें से मुख्य रूप से? तो ये है चूना, पत्थर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। देखिए, जो मानव निर्मित होता है उसको हम कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन कृत्रिम है, और अगर जो मानव निर्मित नहीं होता है उसको हम प्राकृतिक बोलते हैं। आपको बताना है कौन कृत्रिम है। यह है कैलिफोर्नियम। इसके अलावा जो कैल्शियम है, सोना है और कार्बन है, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है।
आगे बढ़ें उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें। क्वेश्चन है कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है कौन? स्वतंत्र मतलब कि अकेले एग्जिस्ट करता हो, ठीक, ऐसा नहीं है कि उसके रहने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो सोना भी आपको देखने को मिलेगा, तांबा भी और चांदी भी, यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे बढ़े, अगला है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? देखिए गलनांक का क्या मतलब होता है कि ऐसा तापमान जिस पे वो गलने लगे, ठीक, जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप बर्फ लिए हैं तो 3-4 डिग्री 5 डिग्री होगा तो वो गलने लगेगा, तो इस तरह इसमें से कौन सी ऐसी धातु है? यह है गैलियम। गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का मतलब कि इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि जब ये हवा से अट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे आग लग जाती है। आगे बढ़े, अगला है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, मतलब कि जिसको हम आम भाषा का नाम बोलते हैं। रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट है लेकिन उसका वाणिज्यिक नाम क्या है? यह है बेकिंग सोडा। चलिए आप इसका जो नाम होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, जैसे कि NA और क्या क्या होगा इसमें, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या फिर हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए कहा गया है कि जो लवण मतलब कि जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त हो तो इनको हम कहेंगे सामान्य लवण। जहां पर भी जो हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त होगा उनको हम सामान्य लवण बोलते हैं। आगे बढ़े तो अगला है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा था? आपको बताना है 2 सेकंड में, और आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए ताकि वीडियो के लास्ट में आप बता पाएं कि 25 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह पूरी सीरीज बेहतरीन होगी, और अगर आप खुद टेस्ट देना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहा गया है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, ठीक है, और यह सबसे पहले कहा गया था किसके द्वारा? डेवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्मों का स्वाद होता है खट्टा। अगला क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? कौन है जो अम्ल है, भस्म है, क्षार है, कौन है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? ये होता है अम्ल। और जब हम पीएच स्केल की बात करें 0 से लेकर 7 तक, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच जो होगा उसे हम अम्ल यानी कि एसिड बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाले को क्षार यानी कि हम बेस बोलते हैं। तो जो एसिड होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? आवर्त नियम ना कि आवर्त सारणी। आवर्त सारणी पूछेगा तो मेंडलीफ, आवर्त नियम है मोसले, मोसले। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है इनमें से? विद्युत ऋणात्मक आप देखेंगे कि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये ऋणात्मक है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया है तो सही उत्तर है फ्लोरीन। फ्लोरीन है सबसे अधिक ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में इनमें से आपको बताना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 78% नाइट्रोजन के बाद 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, और सबकी संख्या बहुत कम होती है, मात्रा कम होती है, इसलिए सही उत्तर है ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑप्शन होता तो नाइट्रोजन ही सही होता। अगला है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। अंतिम मतलब आप लास्ट में देखेंगे जो एक श्रेणी है, तो ये होता है, ये लास्ट वाले की बात की रही जा रही है, तो यह एक निष्क्रिय धातु होता है जिसे हम 18वें वर्ग का तत्व भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज बता दें, हैलोजन किसको बोलते हैं? तो इससे पहले जो ये वर्ग है, ये वाला वर्ग लास्ट से एक अंक पहले वाला, इसको हम
हैलोजन बोलते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कैसा होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग वाले में बात की गई है, तो ये होता है एक क्षार धातु। देखिए वीडियो के क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर आप चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? इसका नॉर्मल नाम चूना पत्थर है, बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं, लेकिन रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़े तो अगला है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका? मोती ये बना होता है चूना पत्थर का, और चूना पत्थर को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन कि ताप जिप्सम क्या है? ये होता है चूना, चूना को हम ताप जिप्सम भी बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा नहीं करती है? कैडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये है कैडमियम, कैडमियम है जो कि ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है किसी भी धातु के साथ जल के। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, मतलब कि सिंदूर का नाम क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि रेडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? क्योंकि उस पर लेप होता है तभी हम कुछ सुन पाते हैं, तो आखिर वो होता क्या है? ये होता है आयरन ऑक्साइड। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इन 25 क्वेश्चनों में से आपने कितना सही से किया। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।